अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 जो कि द बायोलॉजी चैप्टर था उसे कंप्लीट किया, आज हम इसके एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। और ये एमसीक्यूज इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं एमसीक्यूज में से आपके सामने बोर्ड में भी आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला एमसीक्यूज इसका है, एन ऑटोट्रॉप मे बी प्लेस्ड इन द फॉलोइंग ग्रुप एक्सेप्ट। ऑप्शन है मोनेरा, प्रोटेक्टिस्टा, फंजाई, प्लांटी। सबसे पहले हम सिक्यूज को समझते हैं। ऑटोट्रॉप किसे कहते हैं? ऑटोट्रॉप वो सारे एनिमल्स, और वो सारे एनिमल्स होते हैं जो अपने आप को खुद अपना खाना खुद बना सकते हैं। वो सारे एनिमल काउंट होते हैं ऑटोट्रॉप में। तो मोनेरा यानी इसके अंदर आता है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। प्रोटोक्टिस्टा में आता है क्लेमायडोमोनास और यूग्लेना, और प्लांट तो बहुत सारे होते हैं। तो ये सारे ऑटोट्रॉप होते हैं, लेकिन फंजाई में जो जितने भी एनिमल्स आते हैं, जितने भी मशरूम्स वगैरह जितने भी आते हैं, वो सारे के सारे हेटरोट्रॉप होते हैं। तो इसको इसका जो मतलब है, इन ऑटोट्रॉप में भी प्लेस्ड इन द फॉलोइंग ग्रुप, यानी ऑटोट्रॉप को इन सब ग्रुपों में रखा जा सकता है एक्सेप्ट, यानी इसके बगैर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है फंजाई, क्योंकि फंजाई हेटरोट्रॉप है, ऑटोट्रॉप नहीं है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 2 है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय। मलेरिया जो कि एक आम सा एमसीक्यूज है, ये अक्सर आता रहता है। इसका ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लाज्मोडियम। तो वायरस से मलेरिया कॉज नहीं होता, इसके अलावा बैक्टीरिया से भी कॉज नहीं होता, और एट द लास्ट जो 3rd है फंजाई, फंजाई से भी बैक्टीरिया कॉज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मोडियम जो कि एक मॉस्किटो है उसके बाइट से मलेरिया कॉज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है प्लाज्मोडियम। एमसीक्यूज नंबर 3 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल क्लोनिंग एक्सेप्ट। तो जैसे कि अगर आपने क्लोनिंग का जो वीडियो है वो देख लिया होगा, तो उसमें आपको सीधा सीधा इसका एग्जांपल आराम से मिल सकता है कि रीजनरेशन जो है वो भी एक एग्जांपल है किसका, क्लोनिंग का। इसके बाद जो आइडेंटिकल ट्विन सनी एक जैसे बच्चे जो पैदा होते हैं वो भी एग्जांपल होता है नेचुरल क्लोनिंग का। और इसके अलावा ट्यूमर हो गया या कैंसर के सेल्स जो ग्रोथ करते हैं वो भी नेचुरल क्लोनिंग की एग्जाम्पल है। एक्सेप्ट के डाइजाइगोटिक ट्विन, यानी 2 बच्चे एक साथ होते हैं, एक मिसाल के तौर पर बॉय है और एक गर्ल्स है, तो ये क्लोनिंग की एग्जांपल नहीं है क्योंकि ये दोनों अलग अलग किस्म के जेंस है, उनके अंदर जो कैरेक्टर है वो भी डिफरेंट है, इसलिए डाइजाइगोटिक ट्विन्स जो है वो इसका आंसर नहीं है। इसके बाद चौथा एमसीक्यूज है, पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय। जैसे कि एक वीडियो पिछली बनाई गई थी जिसमें था कि एंटीबायोटिक का एक चैप्टर था, उसमें आपके सामने जो एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि एंटीबायोटिक को सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन था उसमें बताया गया था कि किसने इसको डिस्कवर किया था। 3 साइंटिस्ट थे, जिसमें पहले नाम आता है फ्लेमिंग का, दूसरा आता है फ्लोरे का, और तीसरा आता है चेन का। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है फ्लेमिंग, जीनर, रॉबर्ट ब्राउन और लिब्रॉन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो है वो है फ्लेमिंग। बाकी जो साइंटिस्ट है वो ऐसे ही है, उन्होंने अलग डिस्कवरीज की है, इन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर नहीं किया। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4 है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्टडीड अंडर द डिसिप्लिन ऑफ। ऑप्शन है पैरासाइटोलॉजी, मेरीन बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी। जैसे कि पहली वीडियो इस चैप्टर की जो थी जिसमें बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन था, और इसके बाद इसके जो ब्रांचेस थे उसमें एक ब्रांच थी बायोलॉजी की जिसका नाम था माइक्रोबायोलॉजी। और जैसे कि आपको मैंने उसमें बताया था कि माइक्रोबायोलॉजी में हम जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट्स है, फंजाई है, प्रोटोजोन्स है, उनके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको उस ब्रांच को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। जो बाकी ब्रांचेस है इसमें पैरासाइट के बारे से स्टडी करते हैं, मेरीन वाटर यानी मेरीन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, और ह्यूमन बायोलॉजी में हम ह्यूमन के हवाले से स्टडी करते हैं। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 6 है, हाइड्रोपोनिक्स इज द साइंस ऑफ ग्रोविंग टेरेस्ट्रियल प्लांट इन। जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स की लास्ट ही वीडियो है, जो क्लोनिंग से पहले हमने टॉपिक पढ़ा था हाइड्रोपोनिक्स जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसमें हमने पढ़ा था कि हाइड्रोपोनिक्स को जो डेफिनेशन था कि इसे एरेटेड सॉल्यूशन में किसी चीज को ग्रो करना, यानी वो सॉल्यूशन जिसमें कोई सोयल इंक्लूड ना हो उसे कहते हैं एरेटेड सॉल्यूशन। तो इसकी जो एग्जांपल यहाँ पे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं, लेबोरेटरी, डेजर्ट, लेक, एरेटेड सॉल्यूशन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है एरेटेड सॉल्यूशन। एमसीक्यूज नंबर 7 है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ओवर पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड। ऑप्शन है पॉल्यूशन, डिजीज, पेस्ट कंट्रोल, प्रोडक्टिविटी। जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह बनती है उनसे जो धुआं निकलता है, या फिर ओवर पॉपुलेशन जो होती है उसकी वजह से क्या बढ़ता है, पॉल्यूशन यानी आलूदगी बढ़ती है। तो ये सिंपल सा एमसीक्यूज है, बाकी जो ऑप्शन है उसे डिजीज है, पेस्ट कंट्रोल या प्रोडक्टिविटी, ये सब भी हो तकरीबन हो सकती है, लेकिन ज्यादातर चांसेस जो होती है वो होती है पॉल्यूशन की। तो करेक्ट आंसर इसका है पॉल्यूशन। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 8 है, डिफरेंट कम्युनिटीज ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म। जैसे कि पहला जो हमारा जो टॉपिक था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो 2nd वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें लास्ट में जो टॉपिक आया था उसमें था कि डिफरेंट कम्युनिटीज या सेम कम्युनिटीज जो होती है वो पॉपुलेशन बनाती है, और जो डिफरेंट कम्युनिटीज होती है वो क्या बनाती है, इकोसिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यानी पॉपुलेशन, बायोस्फीयर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं, बल्कि करेक्ट ऑप्शन इसका है इकोसिस्टम। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 9 है, लाइफ इमर्जेस एट द लेवल ऑफ। तो ऑप्शन है ऑर्गेनल, सेल, वाटर, एटम। यानी जो लाइफ बनती है वो किससे बनती है, सेल से, जो कि पहले जो टॉपिक था, यानी जो इससे पहले जो मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसी में हमने डिस्कस किया था कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल की वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है सेल।
उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 10 जो कि लास्ट वन है उसका ये एमसीक्यूज है, क्रॉप रोटेशन इज वन ऑफ द इफेक्टिव मेथड टू इरेडिकेट। ये जो टॉपिक है ये है बायोलॉजी की, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इसी में से लिया गया है ये टॉपिक। इसमें ऑप्शन है डिजीज, पैरासाइट्स, प्रेडेटर्स, बैक्टीरिया। यानी क्रॉप रोटेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप एक जमीन पर किसी फसल को उगाते हो एक साल, तो अगले साल आपको वो फसल नहीं उगाना चाहिए बल्कि दूसरा फसल उगाना चाहिए। इससे ये होगा कि जो क्रॉप रोटेशन है जितनी भी डिजीज होगी सॉइल की डिजीज वो सब के सब खत्म हो जाएगी। सो इस मेथड के जरिए आप डिजीज को कम कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है डिजीज। ये थे 10 एमसीक्यूज जो कि पहले चैप्टर के थे, और इस तरह हम अगले चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी डिस्कस करेंगे और बाकी इसके एमसीक्यूज वगैरह जितने भी होंगे उसे भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।